कैसे बच्चों आप? बच्चों आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज हम इंग्लिश में करने जा रहे हैं आइडेंटिफाई करना है आपको लेटर एल को। इससे पहले हमने लेटर एल हमने सीखा है। अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया बहुत सारे लैम्प और उस लैम्प के अंदर मैंने लेटर लिखा है और हमारा जो लेटर है एल उसे आइडेंटिफाई करना है और उस लैम्प को हमें कलर करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे लैम्प ड्रॉ किए, हमने लेटर एल सीखा है सो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट लेटर इज एल नो, सेकेंड लेटर इज एल नो। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मैंने जो सीखा है लेटर एल वो ही है नो। सो थर्ड लेटर इज एल यस, ये लेटर एल है। सो आपको आइडेंटिफाई किया आपने, सो इसे आप अपने मनपसंद कलर से कलर करना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर पिंक चॉक लेके मैंने यहाँ पर कलर किया लैम्प को। नाउ सेकेंड लैम्प में फिर से आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट लेटर इज एल यस। तो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया यानी मैंने देखा कि ये मैंने जो सीखा है वही लेटर है एल, सो मैंने उसी लैम्प को कलर किया। नाउ नेक्स्ट लेटर एल नो, सो हमें कलर नहीं करना है, लेटर एल यस। तो जो लेटर एल है जो हमने सीखा है उसी लैम्प को पहले हमने आइडेंटिफाई किया लेटर को और उसी लैम्प को हमने कलर किया पिंक चॉक से। अब हमें लिखना है एल किस तरह से, फिर से देखिए। सबसे पहले आपको आपकी बुक में रेड लाइन से एक सीधी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन सेकेंड ब्लू लाइन तक खींचनी है, एक लाइन सीधी और आड़ी लाइन, ये हो गया हमारा लेटर एल। फिर से एक बार देखिए, स्टैंडिंग लाइन देन स्लिपिंग लाइन यानी रेड लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक आपको एक सीधी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन खींचते एंड देन स्लिपिंग लाइन। सो ये हो गया लेटर एल। वंस अगेन सी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। सो ये था आज का आइडेंटिफाई किया हुआ हमारा लेटर और उसके साथ साथ जो लैम्प है उसे हमें कलर करना है। सो ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा करना है। ओके किड्स।